हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल हेल्थ केयर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सेक्स करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, कब आप ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं सेक्स के लिए, कब सबसे ज़्यादा आप सेक्स को देर तक एंजॉय कर पाते हैं पूरे प्लेजर के साथ। तो इसका आंसर जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी डिटेल मिस ना हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरे दिन या 24 घंटे में से कौन सा टाइम बेस्ट होता है सेक्स करने का? सेक्स दो लोगों की बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करता है, इमोशनल एंड फिजिकल अटैचमेंट देता है, आपको हेल्दी रखने के साथ साथ आपके मूड को भी फ्रेश एंड हेल्दी रखता है। तभी कपल चाहते हैं जब भी सेक्स हो देर तक हो ताकि पूरा प्लेजर मिल सके। वैसे तो सेक्स करने की कोई टाइमिंग नहीं होती है, जब मूड होता है किसी कपल का वो कर सकते हैं, बट फिर भी कुछ टाइम ऐसा होता है जिसमें हाई परफॉर्मेंस मिल सकता है। तो आइए जानते हैं उस टाइम को। सबसे पहले सुबह के टाइम की बात कर लेते हैं। सुबह के टाइम सेक्स करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, आपको परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा हाई मिलता है, क्योंकि इस टाइम आपका लिबिडो और डिज़ायर बहुत ज़्यादा हाई होता है। नेचुरली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एकदम पिक पर रहता है, बूस्ट रहता है, इसलिए सुबह उठते साथ ही आपके लिंग में हार्ट इरेक्शन आता है और ये हार्मोन का लेवल 10 से 11 बजे तक एकदम पिक पर रहता है, जिसमें सबसे ज़्यादा कपल को सेक्स करने का मन करता है। सुबह का सेक्स बहुत ज़्यादा प्लेजरेबल होता है क्योंकि आपकी बॉडी रिलैक्स रहती है और आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं, आप बिल्कुल एनर्जेटिक महसूस करते हैं, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन रिलीज होता है जिसको हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं, और आपका सेक्स भी लॉन्ग लास्ट चलता है, आपके टाइम में ज़बरदस्त इजाफा होता है। बट इस टाइम फ़ायदा है तो कुछ खामियाँ भी है। मॉर्निंग में सेक्स करने के बाद आप पूरे दिन थके थके भी महसूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोपहर या आफ्टरनून के टाइम की। अगर आपने सुबह एनर्जेटिक नाश्ता किया है तो आप दोपहर या आफ्टरनून में भी सेक्स एंजॉय कर सकते हैं, बट कई स्टडी में पाया गया है कि दोपहर 3 बजे के बाद या 3 PM के बाद सेक्स करना ज़्यादा मज़ेदार होता है, ज़्यादा प्लेजर देता है। इस टाइम भी मेल और फीमेल एक दूसरे से जुड़े हुए महसूस करते हैं। अब बात करते हैं इवनिंग या नाइट की। ये टाइम अप्रॉक्स सारे कपल सेक्स करते हैं और सेक्स को एंजॉय करते हैं। इस टाइम भी सेक्स बहुत ज़्यादा प्लेजरेबल होता है क्योंकि आप पूरी तरह से एक दूसरे पर फोकस करते हैं, आपका माइंड एक जगह पर रहता है, आपका ब्रेन फील गुड हार्मोन का कॉकटेल रिलीज करता है जैसे सेरोटोनिन एंड ऑक्सीटॉक्सिन, जिससे आप सेक्स को एंजॉय करने के साथ साथ देर तक भी कर पाते हैं। सेरोटोनिन हार्मोन जहां आपके टाइम को बढ़ाता है, आपको बेहतर कंट्रोल देता है ऑर्गाज्म पर, वहीं ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन आपके लव और बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करता है, आपको हैप्पी फील देता है। इस टाइम आपका और आपके पार्टनर का डिज़ायर और एक्साइटमेंट लेवल एकदम हाई रहता है। नाइट में सेक्स करने से ऑर्गाज्म या एजुकुलेशन के बाद बहुत मीठी वाली नींद आती है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। तो कंक्लूजन यही है, जब आपके और आपके पार्टनर का मूड करे सेक्स करने का वो टाइम बेस्ट होता है, बट मॉर्निंग या नाइट में सेक्स करना ज़्यादा प्लेजरेबल होता है और नाइट का सेक्स सबसे ज़्यादा बेहतर एहसास के साथ आपकी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करता है, आपको मीठी नींद देता है। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कब सेक्स करना चाहिए। तो होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने का। और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।